गाइस एक प्रॉब्लम होने वाली है। क्या है, पहाड़ों का मौसम ऐसे ही होता है भाई, कभी अचानक से बारिश हो जाए तो। काफी अच्छे शेप में आ रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग्स। तो गाइस आज है 15th October 2023 और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नव दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे। और गाइस बात करें आज और अभी की, तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और हालांकि सुबह 6 बजे से हमने यहाँ का जो काम था वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने सुबह से लेकर अभी तक क्या किया है, तो चलो दिखाते हैं आपको। तो गाइज अभी मैं अपने कमरे के छत पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको अपने घर के अगल बगल का थोड़ा माहौल दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं आज मौसम सही है, हल्के बादल भी लगे हैं लेकिन धूप की कोई कमी नहीं है। और हमारे घर के अगल बगल के खेतों में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अलवाड़ा बोया जा रहा है, यानी आलू, लहसुन और जो राई वगैरह है वो उसकी बुआई हो रही है। और ये जो दाल है आज इनको भी निकाला जा रहा है, ये यहाँ पे दादी लोग हैं हमारे, तो इस दाल को भी ये निकाल रहे हैं। ये देखो कुछ यहाँ पे लगे हैं नीचे। और जो बहादुर लोग हैं वो सुबह 6 बजे से ईंटा वगैरह ला रहे थे, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर रखा है। तो गाइस अभी मैं फ़िलहाल छत पे आ रखा हूँ और कमरे की छत डालने के लिए जो रोड़ी वगैरह लगेगी वो यहीं पर रखेंगे और यहीं पर शायद से मसाला वगैरह बनेगा। तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दी गई है और जाने का रास्ता यहाँ से बना रखा है, खेतों से होते हुए आएँगे और जाएँगे। और यहाँ पर हमारी दाल भी डाली थी धूप में, वो हमने अब यहाँ डाल दिया, शिफ्ट कर दिया नीचे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कल ही दाल धूप में रखी थी सुखाने के लिए, तो कुछ दिनों तक इनको भी ऐसा रखना पड़ेगा, जिसके बाद हम इसके भी कुटाई करेंगे ढंग से और दाल निकालेंगे। झंडा तो लहरा रहा है तो इसको लहराने दो। तो भाई फ़िलहाल मैं जहाँ पर ईंट वगैरह रख रहे हैं वहीं पर रहता हूँ, चौकीदारी जो करनी है वहाँ पर, तो चलो वहीं पर रुकते हैं और काम को देखते हैं। तो गाइज अभी मैं फ़िलहाल छत पे आ रखा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रोड़ी स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर बहादुर लोग, तो यहीं पर रुकते हैं। गाइज एक प्रॉब्लम होने वाली है, बादल देख सकते हैं कितनी जल्दी लग चुके हैं और गरज भी रहे हैं, जिससे यहाँ के काम पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगल बगल सभी लोग खेत में आलू वगैरह बो रहे हैं और बारिश आने की आशंका बिल्कुल बन चुकी है, क्योंकि चारों तरफ मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब तो देखते हैं बारिश लगेगी तो काम रोकना पड़ेगा, चलो फिर वेट करते हैं। A few moments later. तो गाइज अभी बारिश की बूंदे लगनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो भट वगैरह धूप में डाल रखे थे वो तो मेरी बहन अभी उसको सेट कर रही है, वहाँ पे एक किनारे पे ढका देगी। और यहाँ पे ओलियंडर वगैरह है तो इसको भी फटाफट से यहाँ भैंसवाड़े पे रखते हैं उसको। तो गाइस यहाँ का काम निपटा दिया है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बारिश की बूंदे भी धीरे धीरे आ ही रही है अभी, तो वो तो चाची आ गई थी यहाँ पे मदद करने तो इसलिए जल्दी हो गया यहाँ का काम। अब चलते घर की तरफ, देखते हैं वहाँ का सीन। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ मौसम फिर से बदल गया है, पहाड़ों का मौसम ऐसे ही होता है भाई, कभी अचानक से बारिश हो जाए तो कभी अचानक से मौसम सही भी हो जाए। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप आ रही है बस यहाँ पर, और जिस वजह से काम कंटिन्यू चल रहा है अभी। और यहाँ पर फिलहाल अभी सुपर वगैरह बनाने वाला आ रखा है कारीगर, तो उससे सुपर वगैरह बनाते हैं, सामान अपना है, बाकी टेक्निक उसके पास है तो बस उसी के पैसे देने अपने बस। चलो दिखा दो। तो गाइस ये अंकल जी जो बनाने वाले हैं हमारे लिए अगेठी, क्योंकि हमारे अगेठी टूट गई थी, तो इसमें से चादर निकालेंगे जो यूज़फुल होगा, तो देखते हैं।
गाइस यहाँ पर अंकल जी अभी फिलहाल सुप्पा बना रहे हैं क्योंकि चाचा जी ने यहाँ पहले ही बोल रखा था इनको सुप्पा बनाने के लिए, और उसके बाद टाइम लगेगा तो अगेठी बनाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर कल बनाएंगे। हालांकि उन्होंने पीसेस वगैरह काट लिए हैं अगेठी के लिए, और उसके बाद कल वो अगेठी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस फाइनली सुप्पा बन के रेडी है, ये देख सकते हैं आप। इसको हथौड़े से डेंट किया गया है, इस पर काफ़ी आकर्षक लग रहा है, और फिनिशिंग इसकी अच्छी कर रखी है। यहाँ पे एक तार होती है बेंडिंग वाली, उसका इस्तेमाल कर रखा है, जिससे काफ़ी अच्छे शेप में आ रखा है, और पारंपरिक सुप्पा तैयार हो चुका है। तो गाइस अभी फ़िलहाल लंच करते हैं क्योंकि लंच करने का टाइम हो चुका है, तो चलो। तो गाइस अभी मैं किचन में आ चुका हूँ और थाली लग चुकी है मलके की दाल और चावल, आज यही बनाया है, भाई भी खा रहा है तो चलो हम भी खाते हैं फटाफट। A few moments later. तो गाइस अभी फिलहाल लंच हो चुका है और फिलहाल अभी आराम करते हैं क्योंकि धूप लगी हुई है, और मिलते सीधे शाम को, बाकी जो चीजें होगी शाम को वो देखते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल शाम हो चुकी है और आप देख सकते हैं धूप यहाँ से जा चुकी है लगभग, और मौसम भी फिर से शांत हो चुका है, और ये जो दाल हमने इकट्ठा करके ढका दिया था तिरपाल से, उसको फिर से फैला के रख दिया था दोपहर में ही, क्योंकि उसके बाद धूप खिल गई थी, तो अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, बाकी और चीज़ें देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर रोड़ी वगैरह बहादुर अभी भी ला रहे हैं, एक ढेर यहाँ पर है और एक ढेर यहाँ पर है, तो अभी फ़िलहाल यहीं पर रुकते हैं, चलो।
गाइज अभी बादल लोगों ने रेता वगैरह भी डाल दिया है उसमें रोड के ऊपर, क्योंकि ये मटेरियल लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ सीमेंट पड़ेगा और उसके बाद सीधा जब कमरे की छत पड़ेगी तो उसके ऊपर सीधा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस पर अभी टाइम है और फिलहाल अभी रात हो चुकी है तो वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं और कल सुबह आएंगे और बाकी का जो काम बचा हुआ है वो करेंगे। तो क्योंकि रात हो चुकी है तो इसलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।